नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मैंने भी उसको लेकर के कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन उसके बाद भी मामला थमने का नाम नहीं ले पा रहा। दरअसल दो जातियों में आपसी विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद है चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर, जबकि उनकी जाति बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े इतिहासकार बताने लग पाए, लेकिन उनका कर्म गडरिया के तौर पर तमाम इतिहासकारों ने पहले ही बता चुके हैं। गेट नंबर 5 पे संसद भवन में मूर्ति लगी, देश की सबसे बड़ी संसद में उनकी मूर्ति लगी है और उस पर लिखा हुआ है सेफर्ड बॉय। दरअसल गडरिया को इंग्लिश में सेफर्ड ही कहा जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल मामला निर्विवाद है। और ये जब मामले को देखा गया उस पे अजयपाल चंद्रगुप्त मौर्य भी लिखा है। अजयपाल का मतलब भेड़ बकरी चराने वाला ही होता है। तमाम इतिहासकारों की किताबें इसका वर्णन करती हैं। इसको लेकर के मनोज बघेल ने भी एक गाना अपलोड किया और उस गाने को लेकर भी विवाद छिड़ रहा। दरअसल लोगों ने कहा कि मनोज बघेल ने गाना डरने के बाद में उस गाने को डिलीट कर दिया। तो इसी को लेकर के मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ और इस मामले को स्पष्ट कर दूँ। साथियों, लंबे समय से मैं भी वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रह रही थी। दरअसल मनोज बघेल ने जब एक गाना बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, तो उसके बाद में उनके नज़दीकी थाने से उनको कॉल आता और कहा जाता है कि आप जो है इस गाने को डिलीट कर दें। मनोज बघेल ने उस गाने को प्राइवेट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे और उसके बाद में मामले की छानबीन करने लगे। जब मामले की छानबीन करी, प्रमाण इकट्ठे किए, तो फिर उसके बाद में मनोज बघेल ने दोबारा से उस गाने को पब्लिश कर दिया। इसके बाद में भी खूब जम के विवाद चला रहा। जब मनोज बघेल ने गाना प्राइवेट किया था, तब एक जाति विशेष जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइटल मौर्य को लेकर के अपना उनसे नाता जोड़ रहा था, अपने आप को उनका वंशज बता रहा था, जबकि इतिहासकार ये कहते हैं कि मौर्य इसलिए लगाया था क्योंकि वो मोर को प्रेम करते थे और सही नाम उनका मौर्य था, जिसको परिवर्तित करते करते जो है मौर्य हो गया। और इस तरह से जो है उसको जो है उनको अपना वंशज बताते हैं। वो लोग आज बहुत लड़ाई भी लड़ रहे हैं, उनके कई पेजों से और कई जो है तमाम पेजों से, विशेष तौर पे मैं कहूँ सीधे सीधे तो जो समाज है, जो अपने आप को बौद्ध धर्म का भी समाज बताता है, हिंदुत्व का नहीं बताता है, वो कहता है सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के हम वंशज हैं और बौद्ध धर्म में अपनी कहीं ना कहीं गिनती प्रदर्शित कराने का प्रयास करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था भी है? क्या बौद्ध धर्म जातिवाद की बात करता है? तो स्पष्ट जवाब है, बिल्कुल नहीं। बौद्ध धर्म जातिवाद की बात ही नहीं करता। तो फिर जब अपने आप को बौद्ध धर्म का बता रहा है, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर के लड़ाई क्यों? और रही दूसरी बात, मनोज बघेल ने पूरे मामले की छानबीन करने के बाद में गाने को जो है दोबारा से पब्लिश कर दिया और साफ उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कह दिया कि मैं किसी से डरा नहीं हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य की जाति को लेकर के जब देश की सबसे बड़ी संसद ये दावा कर रही है कि वो अजयपाल चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सेफर्ड बॉय हैं, सेफर्ड का मतलब साफ साफ गडरिया होता, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। सेफर्ड लोग कहते हैं उसके सेफर्ड को लेकर के कुछ बयान यहाँ तक दिए कमेंटों में, मैंने देखा था पिछली वीडियो में, कि सेफर्ड जर्मन सेफर्ड भी एक डॉग का नाम है। लेकिन उनको मैं बता दूं कि सेफर्ड अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे राइटर भी जिन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबें भी लिखी हैं और वो भी अपने आप को सेफर्ड बताते हैं, सभी को जर्मन सेफर्ड से जोड़ना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है, जब जातियां आपस में विवाद करने लगती हैं तो इस देश को अंदर से हानि पहुँचाने का काम करती हैं। लेकिन सवाल इस बात का भी खड़ा हो जाता है कि जब आप बौद्ध धर्म का अपने आप को बताते हैं तो फिर कैसे जातिवाद की बात कर सकते हैं? फिर तो जाति से आपका नाता ही नहीं है ना, आप बौद्ध हैं, उसके बावजूद भी दो है जातिवाद की बात करते हैं। लेकिन जब मनोज बघेल ने गाने को पब्लिश कर दिया, उसके बाद में तमाम इतिहासकारों का मंथन हुआ, उनकी बैठक हुई, उसके बाद में ये निर्णय लिया गया। मनोज बघेल के पीछे कई इतिहासकारों ने ये दावा किया कि यदि आपके ऊपर मुकदमा होता है, कोर्ट तक जाने की बारी आती है, तो इतिहासकार पूरी तरह से तैयार है। इतिहासकारों के मत बिल्कुल स्पष्ट हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य उनको मोर के प्रेम करने की वजह से कहा गया और उनकी उनका जो कर्म था वो गडरिया का था और तमाम सारे प्रमाण उनके गडरिया होने के उनके पास हैं और इसको लेकर के कोर्ट तक जाने को तैयार।
और यदि कोर्ट सजा सुनाता है तो उस सजा को भी स्वीकार करने को तैयार है। लेकिन सजा सुनाएगा ही नहीं, क्योंकि प्रमाण इतने मजबूत हैं देश की संसद भवन में लिखा ही नहीं जाता यदि ऐसा नहीं होता तब, क्योंकि देश की संसद भवन कोई लाला की दुकान नहीं है, वो देश की सबसे बड़ी संसद। उसके बावजूद भी उसमें जब ऐसा लिखा गया तो बड़े रिसर्च के साथ लिखा गया। साथियों, कुल मिला के आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, सभी समाजों से मेरा यही निवेदन है कि महापुरुषों की जाति को लेकर के आपसी विवाद ठीक नहीं है। सभी लोग भाईचारा बना के रखें, सभी लोग मेल प्रेम बना के रखें। यदि आप लोग मानते हैं अपने आप को उनसे जोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने आप से उनको जोड़िए, उनके पदचिन्हों को आगे बढ़ाइए और उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाइए। लेकिन कहीं ना कहीं जाति को लेकर के यदि आप लड़ते रहेंगे तो कब आप अपनी शैक्षणिक स्थिति को आगे बढ़ाएंगे, कब सामाजिक स्थिति को आगे बढ़ाएंगे, कब राजनीतिक स्थिति को आगे बढ़ाएंगे। और दोनों ही समुदाय से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को छोड़िए, जिसको जो लगाना है लगाइए, उनके विचारों को आगे बढ़ाइए, उनका सम्मान कीजिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग क्या महसूस करते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।